हजार्ड R15V4 में लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, क्या क्या तरीके रहेंगे और क्या क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। एक ये वायरिंग है, ये लेफ्ट इंडिकेटर, ये राइट इंडिकेटर और ये बैक लाइट। अपने को फ्लैशएक्स में बैक लाइट के लिए भी फंक्शन मिलता है। हमारी ये हजार्ड मशीन अगर पवन हम ब्लैक वायर में अगर इनको अटैच करते हो तो क्या प्रॉब्लम थी या कुछ प्रॉब्लम नहीं थी? या देखो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, मशीन खराब होने का डर रहता है, उसके बाद वायर सारी जल जाएगी, स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो सबसे रिस्की काम अपने को ये ध्यान रखना है कि ब्लैक वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अगर अपन ब्लैक वायर को लगाते हैं तो मशीन भी खराब हो सकती है और पूरी वायरिंग इंट्रो है फ्लैशएक्स में कि जब आप की को ऑन करते हो तो इंट्रो कैसे आता है। अब बताएंगे इसके नुकसान और फायदे और कहां से इसको परचेज करें। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बताएंगे इसके नुकसान और फायदे। नुकसान सिर्फ एक ही लगता है, वो भी तब है जब हम वायरिंग को गलत लगाएं, जिससे अपनी पूरी वायरिंग ख़राब हो सकती है। तो मेनली हम इसके फ़ायदे बताएंगे। फ़ायदे ही हैं, कपलर टू कपलर है, बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेनली मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि मेरी बाइक में कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं, वाटर प्रूफ है, शॉक प्रूफ है। सबसे बेस्ट मेरे को फ्लैशएक्स का ही लगा है, बाकी मैंने सिमटेक को यूज़ कर लिया और भी अनदर आते हैं ब्रांड। इसको ख़रीदने के बाद इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन लगभग आपको 1900 से 2000 रुपए के बीच में ही आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी अगर रही ऑफलाइन की बात तो पवन हमारे लिए ये कितने का पड़ जाएगा? 1700। अच्छा, तो 1700 का विद फिटिंग अपने पास यहीं पर मिल जाएगा। तो एड्रेस मैं इनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो।